हमारे महाराज बैठे हैं, अमरकंटक इस पुराने राज्य का ही हिस्सा था, जहां माँ रेवा का जन्म स्थान है अमरकंटक, उनके नाम पे ये रीवा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं और रीवा अंचल में ही भगवान राम ने अगर 11.5 साल अपना वनवास काल का व्यतीत करने का निर्णय किया तो वो चित्रकूट भी आप ही का हिस्सा है। तो इसलिए जोरदार तालियां बजा करके मेरे साथ दो ही हाथ खड़े ऊपर करके बोलिए, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम सबका सौभाग्य है आज का ये जो अद्वितीय पल है, और इस पल के लिए तो वर्तमान के दौर में खास करके 500 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था के आधार पर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन हुआ है, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र जी शुक्ला, जोरदार तालियां बजाओ राजेंद्र जी के लिए, माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा जी, जोरदार तालियां जनार्दन जी के लिए, भाजपा के जिला अध्यक्ष मेरे मित्र डॉक्टर अजय सिंह जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाए, हमारे विधायक गुड़ बहुत वरिष्ठ नेता नागेंद्र सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाए। नागेंद्र सिंह जी की लोकप्रियता ऐसी जबरदस्त है कि इस उम्र में भी नागेंद्र सिंह जी का नाम मात्र पार्टी रख दे तो पार्टी जनता परवारे जिता के पहुंचाती है, ऐसे हमारे अद्वितीय नेता है। हमारे इसी मंच पर विराजमान दिव्यराज पटेल, दिव्यराज सिंह जी, जोरदार तालियां बजा, मेरे अभिन्न मित्र है, आपके अपने यहां इसी रीवा साम्राज्य के महाराज रहे। हमारे लिए प्रदीप पटेल जी, जोरदार तालियां प्रदीप पटेल जी के लिए, विधायक है प्रदीप जी, यहां मंच पर मौजूद सिद्धार्थ, अब आप तालियां बजाते रहिए, नाम ज्यादा है और मेरे को 5:30 बजे के पहले पहले वापस यहां से सबसे पहले खजुराहो जाना है, तो इसीलिए नरेंद्र प्रजापति जी, जोरदार नरेंद्र प्रजापति जी, सिद्धार्थ तिवारी जी, राजेश पांडे जी, अनिल पटेल जी, नीता कौल जी, प्रणव प्रताप सिंह जी, वेंकटेश पांडे जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, श्रीमती प्रज्ञा त्रिपाठी जी, श्री राजेंद्र पांडे जी, सुरेंद्र चंदेल जी, श्रीमती ममता गुप्ता जी, श्री रामजी प्रजापति, और हमारी इसी अंचल की दो मेरी मंत्रिमंडल की साथी बहनें, जोरदार तालियां प्रतिभा बागरी जी के लिए भी और राधा सिंह जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। देखो लोकतंत्र गौरवान्वित कैसे होता है, लोकतंत्र गौरवान्वित करने के लिए एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए तालियां बजाए, जिनके माध्यम से सरकार बनती है, सरकार के अंदर आने वाले मंत्रियों के लिए, चाहे मुख्यमंत्री हो तो एक अपने सामान्य परिवार का कार्यकर्ता जिनको उठा करके कहां से कहां पहुंचाते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। जोरदार तालियां नरेंद्र मोदी जी के लिए बजाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो सकता है। और अपना रीवा तो आप तो चारों उंगली घी में और सिर कड़ाई में, मेरे साथ तो डबल है, आपका उप मुख्यमंत्री भी अपने रीवा के और आपके दामाद भी रीवा के, कितना ज्यादा आनंद आया इस बात के लिए। और बचा कुचा थोड़ी बहुत कसर अगर थी तो पहली बार वाले विधायक दोनों बहनें भी आपकी रीवा अंचल की जोरदार तालियां बजाए, राधा सिंह जी के लिए, प्रतिभा जी के लिए। हमारे यहां पद का महत्व नहीं है, व्यवस्था में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का महत्व है, और इसी कारण से लोकतंत्र जिंदा किस बात के लिए होता है। लोकतंत्र की लंबी लड़ाई में अमर शहीद क्रांतिकारियों ने अपने बलिदान दिया है, अपने आत्म आहुतियां दी है। और रीवा का तो मैंने अपने दिव्यराज सिंह जी से सुना है, रीवा हमारा वो साम्राज्य है जब मुगल सत्ता ने तलवार के दम पर अच्छे अच्छे को परास्त किया तो रीवा साम्राज्य ने हमारी सनातन संस्कृति को बचाने के लिए सदैव युक्ति बुद्धि से अपना रास्ता निकालते निकालते पूरा सनातन धर्म को बचाने का प्रयास किया। मैं इस बात के लिए आनंदित भी हूं कि हां, रीवा का अपना वाकई समय आ गया विकास का। जोरदार तालियां बजाओ, अब कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी रीवा के लिए। हमने अपने काम के आधार पर यशस्वी मुख्यमंत्री से
शिवराज सिंह जी चौहान पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने जब अपने विकास के कारवा को बढ़ाया यशस्वी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो हमने पुनः संकल्प लिया कि आपने जहां तक बढ़ाया है हम उससे चार गुना आगे ले जाने के लिए संकल्पित है। इसलिए आपकी कोई योजना किसी प्रकार के विकास के काम को बगैर बंद किए और नए नए कीर्तिमान बनाएंगे, नई नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। और इसीलिए काम का विकेंद्रीकरण करने का भी हमने सिस्टम बनाया है। सरकार को वल्लभ भवन से उठा करके संभाग तक और संभाग से जिले तक और जिले के बाद विधानसभा के अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से विकास के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर जगह दरकार जहां रहेगी वहां तक विकास के आयाम को ले जाया जाएगा। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है जिनने आह्वान किया कि हम सरकार में आए तो ये तमाम प्रकार के जाना कितने प्रकार के षड्यंत्र होते सरकार बनाने के लिए। और उन्होंने तो कहा कि हमारे पास केवल चार जातियां हैं, वो चार जातियां में किसान महिला युवा ये जो अपना उनका अपना समीकरण है केवल उनके लिए किसान इनके लिए काम करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिंचाई के संसाधन भी सबसे अच्छे कहीं पनपे तो रीवा अंचल में पनप करके गरीब से गरीब आदमी के भी जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है। और राजेंद्र जी रुकिएगा मत, और जो प्रस्ताव बना सकते हैं, आपने कृषि उपज मंडी को अच्छा करने की बात की, मैं मंच से ही घोषणा करता हूं कृषि उपज मंडी हमारी सर्वश्रेष्ठ बनेगी, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा भी विकास के मामले में आप रोजगार परक विकास की दृष्टि जरूरत है और रोजगार परक विकास के लिए निश्चित रूप से अब हमारे लिए आने वाले समय में उद्योग धंधे किसान की व्यवस्था खास करके जिस प्रकार का समय चल रहा है उद्योग धंधे में भी माइनिंग से जुड़े जिले जहां हमारी माइनिंग है खनिज के बहुत अच्छे संसाधन है उनके माध्यम से विकास होगा तो वो जिले जहां ये पहले से लगे वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे जिले जहां इसकी दरकार है अभी गुंजाइश है उन जिलों के लिए विशेष सब्सिडी दे करके उनको भी खड़ा कर करे प्रत्येक बेरोजगार के हाथ में सरकार कोशिश करेगी उनके जीवन में सुख का उजाला आए उनका जीवन भी बदले ये प्रयास हमारी सरकार का रहने वाला है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने नया दरवाजा खोला है कि हाँ विकास तो हम करेंगे लेकिन केवल रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करेंगे। रोटी कपड़ा मकान तो होगा ही लेकिन सनातन धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है। हम अपनी सनातन संस्कृति को भी सर्वोच्च स्थान पर रख करके आगे बढ़ेंगे इसी आधार पर, क्योंकि ये भारत अपने आप में इन विशेषताओं के कारण से ही दुनिया में सदैव आगे बढ़ता रहा है। इकबाल ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो यूनान मिस्र रोम बड़े बड़े साम्राज्य थे लेकिन वो सारे के सारे साम्राज्य धराशायी हो गए। लेकिन हमारे अपने इस भारत की विशेषता है ये अपने यहां पर अपनी परंपराओं के साथ अपने पुरखों के बनाए वो उच्चतम मापदंड उनको सबको स्थापित करके चलता है। इसलिए प्रभु राम में आस्था करने का मामला हो तो हां कहता है कि हां हमारे पूर्वज थे। अब यह अलग बात है कि उसके मामले भी लोग राजनीति करते हैं, जिनको राजनीति करना वो राजनीति करे, उसकी परवाह भारतीय जनता पार्टी न कभी करी है न कभी करेगी। प्रभु रामचंद्र जी ने सारा जीवन अपना कदम कदम पर पूरे भारतवर्ष के लिए समूची मानवता को धन्य करने के लिए गुजारा है। आज भी बच्चा बच्चा सबका सपना होता है कि राम राज्य होना चाहिए। भगवान राम को इस पृथ्वी पे अवतरित हुए 17 लाख साल से ज्यादा साल हो गए लेकिन आज भी रोम रोम में राम समाये हुए हैं। और एक तरफ हम जब राम की बात करते तो हमको मालूम है आज भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अरे भाई सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ी कोई कोर्ट हो नहीं सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित किया कि हाँ अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, वो मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता के मुस्लिम बंधुओं ने भी जो पिटिशनर थे उनने भी कहा कि हाँ हमको भी सहमति है, हम ये भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। लेकिन अभी भी कांग्रेस के कुछ नेताओं का पेट दुख रहा है,
अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि वहां मंदिर बनना चाहिए। कोई इनको छोड़ने वाला है क्या? आप बताइए, ऐसे लोगों को कोई माफ करने वाला है क्या जो प्रभु राम के मामले में अड़ंगा लगाए? जीते जी पहले कह रहे थे प्रभु राम की बात करते हो, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब जब तारीख भी बता दी, मंदिर भी तैयार है, 22 जनवरी को हमारा अपना प्रभु राम के गर्भ में प्रवेश का भी मामला है, तो अब कह रहे हैं दूसरा मुद्दा खड़ा कर दिया। अरे भाई वो मूर्ति कहाँ है? अरे भैया तुम्हारा तो भरोसा ही नहीं था राम में, तो भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो? भगवान तो हमारे और आपके दिल में, जो प्रभु को राम को माने वो राम के। आपने तो केवल राजनीति की है। ऐसे राजनीति करने वालों को मैं निश्चित कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार से जन आभार यात्रा के माध्यम से वैसे तो प्रदेश भर में माहौल बना है, लेकिन रीवा ने सबसे ऊंचा छक्का लगाया है, सबसे ऊंचा अपना आज का परचम लहराया है। मैंने इतने खराब माहौल में भी, जब बारिश, कोहरा, शीत, तमाम प्रकार के अवरोध, परमात्मा अपनी परीक्षा ले रहा है, लेकिन रीवा के लोगों ने और पूरे रीवांचल के लोगों ने जो स्वागत किया है, तो मैंने भी संकल्प किया है परमात्मा की दया से अगर सरकार के मुखिया का जवाबदारी दी है तो राजेंद्र जी और हम सब मिलकर के कोई कोर कसर नहीं बाकी छोड़ेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में अपन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारी जवाबदारी है। अगर हम अपनी इतने प्रचंड बहुमत के बाद अगर हम सरकार को आगे नहीं ले जाएंगे तो कौन ले जाएगा? और इसके साथ साथ विकास भी करेंगे और हमारी सनातन संस्कृति पे गर्व भी करेंगे। मुझे इस बात की जानकारी है कि यहाँ पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का एक केंद्र बनने वाला है, 20 करोड़ की लागत से उसका हमने सेंटर का विकास करने की बात कही है। अगर 100 करोड़ भी लगेंगे राजेंद्र जी, तो निश्चित रूप से उसमें भी कोई कोर कसर नहीं बाकी रहेगी। जिस जिस क्षेत्र में भी पैसा लगेगा, जो विकास का काम की आवश्यकता होगी, वो सारे के सारे काम होंगे। और आज हमने संयोग से मैंने कहा था कि यहां पर मैं जहां जा रहा हूं केवल आभार रैली नहीं कर रहा हूं, केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, हमारे सभी माननीय विधायक, सांसद, मंत्री, इनके संभागों के साथ लाइन ऑर्डर की बैठक। आप बताइए, वर्षों वर्षों से थाने बने हुए थे, लेकिन थानों की सीमाओं को लेकर जनता की कठिनाइयों के लिए अभी बहुत इस बात में गुंजाइश थी। हमने निर्णय किया कि थानों की सीमा बदली जाएगी।